कल तक हमने एक्सप्लेन किया था, लास्ट क्या किया था एक्सप्लेन, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इस काइनेटिक एनर्जी का ही दूसरा रूप है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आज हम करते हैं क्या, लिखते हैं हेडिंग एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिनन एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिनन दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कैसे एक्सप्लेन किया इसे आइंस्टीन ने, देखिए ये एमिटर और ये कलेक्टर, आपने कलेक्टर को निगेटिव कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में निगेटिव कर दिया कलेक्टर को, एमिटर के रेस्पेक्ट में आपने कलेक्टर को निगेटिव कर दिया। इस टाइम एमिटर पॉजिटिव है, कलेक्टर निगेटिव है, तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, एक्टर कमिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। अब यहां जो भी इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज बॉडी पर, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, कहां, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहां, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ कि जब कलेक्टर को आपने निगेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एमिटर, तब एमिटर कलेक्टर के बीच इस्टेब्लिश होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है किसे, इलेक्ट्रॉन के मोशन को। इलेक्ट्रॉन के किस मोशन को, जब इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश में है एमिटर से कलेक्टर की तरफ खुद की अपनी एनर्जी से। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला एमिटर से कलेक्टर तक, और जिस इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे चले, कुछ की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो वो यहां आकर रुक जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आकर रुक जाएंगे, और जो सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर पर पहुंचने से पहले रुक गया। कब, जब आपने कलेक्टर को एक सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल पर ला दिया विद रेस्पेक्ट टू एमिटर। एमिटर के रेस्पेक्ट में जब कलेक्टर एक सर्टेन निगेटिव पोटेंशियल पर है, तो फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी कलेक्टर पर जाने से रुक गया, ठीक है। और जो ये निगेटिव पोटेंशियल आया आपका कलेक्टर का एमिटर के रेस्पेक्ट में, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखते हैं इसे आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड दिस ऑब्जर्वेशन व्हेन कलेक्टर इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एमिटर,
व्हेन कलेक्टर इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एमिटर, कलेक्टर इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू एमिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, इवन द इलेक्ट्रॉन विद लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, इवन द इलेक्ट्रॉन विद लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, इज नॉट एबल टू रीच कलेक्टर, इज नॉट एबल टू रीच कलेक्टर। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वर्क डन कितना है, वर्क डन होता है क्यू वी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है माइनस ई, और कितना पोटेंशियल है वी नॉट। फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई जीरो, और कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर चला था ये एम वी स्क्वायर। यहां से इलेक्ट्रॉन जब एमिट हुआ एमिटर से तो ये कितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर चला अपने साथ एम वी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अपोजिंग वर्क करता गया, और यहां पहुंचते पहुंचते कलेक्टर पर पहुंचते पहुंचते उससे जस्ट बिफोर क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो गई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और अभी हमने पीछे कहा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह से रख दे, माइनस कैंसिल हो गया, अब आपके पास क्या बचा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू नॉट बाय ई। अब देखिए ध्यान से कि एक गिविन सरफेस के लिए यहां h तो है ही कांस्टेंट, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लूं मैं, h बाय e न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है गिविन सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट है सरफेस के लिए करेक्टरिस्टिक है, ठीक। फॉर अ गिविन सरफेस, फॉर ए गिविन सरफेस न्यू नॉट इज कांस्टेंट, h एंड e आर यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक कॉन्स्टेंट है ही कॉन्स्टेंट ये, तो सीधी सी बात यह है जैसे जैसे आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या इंक्रीज होता चला जाएगा, न्यू नॉट इंक्रीज होता चला जाएगा। यहां आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इनका डिफरेंस भी छोटा होगा और न्यू नॉट की वैल्यू कम होगी, अगर आपने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो न्यू माइनस न्यू नॉट इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इंक्रीज हो जाएगा। हेंस वी नॉट किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेन हो गया कि फ्रीक्वेंसी पर क्यों डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर क्यों डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर क्यों नहीं डिपेंड करता ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, सिंस इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स को रिप्रेजेंट करता है, फोटोन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, डज ठीक है, द एनर्जी
एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट डिपेंड किस पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल को मतलब है किससे, केवल फ्रीक्वेंसी से। क्लियर हुई बात, ये दोनों बातें यहीं से एक्सप्लेन हो गई कि इंटेंसिटी पर क्यों डिपेंड नहीं है और फ्रीक्वेंसी पर क्यों डिपेंड है। ठीक है, यहां से आप कर लीजिए इसको, लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सिंस इन फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फोटोन इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन द सरफेस। नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन द सरफेस increasing the intensity increases the number of photons incident on emitter but the energy possessed by each photon remains same. Hence, stopping potential does not increase. ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन था, कि जैसे जैसे आप कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम लेवल कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। और कलेक्टर के जीरो पोटेंशियल पर करंट जीरो नहीं है, हल्की फुल्की करंट होती है। कलेक्टर के निगेटिव पोटेंशियल पर करंट डिक्रीज होने लगती है। लिखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑन द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर एंड द अपीयरेंस ऑफ सैचुरेटेड करंट। लिखते हैं, फॉर इंसिडेंट रेडिएशन अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
फॉर गिवन सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पजेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पजेस काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम जीरो टू, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पजेस काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम जीरो टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, फ्रॉम जीरो टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू गिवन बाय एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, गिवन बाय एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन विच एस्केप जस्ट सरफेस, विच एस्केप जस्ट सरफेस, विच एस्केप जस्ट सरफेस हैव टू ओवरकम ओनली द अट्रैक्शन ऑफ only the attraction of positives, positive ions around it. To escape the surface, electron require, energy equal to work function only, rest of the energy of photon, appear as kinetic energy of photoelectron. Equals to h nu minus h nu naught. जो सरफेस से एमिट हो रहा है उसमें कितनी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी h nu minus h nu naught. ठीक है, फुल स्टॉप. फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड फ्रॉम डेप्थ, some energy of photon is used up by electron, to come to the surface from depth. Therefore, kinetic energy remained with the electron. काइनेटिक एनर्जी रिमेन्ड विद द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. फॉर सम इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. Therefore, for any frequency of incident radiation, above threshold frequency for the given surface,
फोटो इलेक्ट्रॉन्स पजेस ऑल द पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स पजेस ऑल द पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज फ्रॉम जीरो टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर इज जीरो विद रेस्पेक्ट टू एमिटर, ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सफिशेंटली लार्ज काइनेटिक एनर्जी when potential of collector is zero with respect to emitter, only few electrons having sufficiently large kinetic energy are able to reach collector, these electrons constitute a small photoelectric current. These electrons constitute a small photoelectric current. Other electrons with lower kinetic energy, keep on collecting around emitter forming electron cloud. With the increase in positive potential of collector, electric field established between collector and emitter become more and more supportive for the motion of electron. Therefore, more and more electrons from electron cloud. Start reaching collector. And hence photoelectric current increases. For a certain positive potential of collector, there attain a condition. When all the electrons emitted per second from emitter reach collector,
देयर इज नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द एमिटर. द फोटो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक करंट बिकम सैचुरेट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम सैचुरेट देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, with the increase in positive potential of anode. क्या there is no further increase in photoelectric current with the increase in positive potential of anode, with the increase in positive potential of anode. Next paragraph. When the anode is kept at negative potential with respect to emitter, when anode is kept, next paragraph, when anode is kept at negative potential, anode नहीं collector लिख लीजिए, इसे collector और anode एक ही बात है, collector कहना ज्यादा ठीक है, anode नहीं. When collector is kept negative with respect to emitter, the electric field established between emitter and collector, the electric field established between collector and emitter, between collector and emitter oppose the motion of electrons, oppose the motion of electrons. This opposition increases with the increase in negative potential of collector, with the increase in negative potential of collector. At a certain minimum negative potential of collector, at a certain minimum negative potential of collector called stopping potential, called stopping potential, electron with the kinetic energy, even the electron with maximum kinetic energy, even the electron with maximum kinetic energy is stopped. And the photoelectric current is stopped. And the photoelectric current is stopped.